दोस्तों, क्या आपके दांत में दर्द हो रहा है? आइए जानते हैं दांतों का दर्द दूर करने के कुछ ऐसे घरेलू उपचार या फिर नुस्खे जो कि दांतों का दर्द दूर करने में मददगार है। नमस्कार, आप सभी का चैनल घरेलू नुस्खे हेल्थ टिप्स इन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दांतों में दर्द होना काफी बड़ी पीड़ा है जो कि इंसान को परेशान कर देती है। इसका सही से ख्याल रखना काफी जरूरी है ताकि इनसे जुड़ी परेशानियों से हम बच सके। आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप दांतों में होने वाले दर्द का घरेलू उपचार करके भी उससे राहत पा सकते हैं और परेशानी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, दांतों में दर्द दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें एक तो आपको जोरदार दर्द होगा, तीव्र गति से आपको दर्द होता है, और दूसरा होता है सुस्त दांत दर्द। अब दोस्तों, तीव्र प्रकार का जो दर्द होता है वो अक्सर हल्का होता है लेकिन अचानक से होने लगता है। साथ ही दर्द तब होता है जब आप कुछ खा रहे होते हैं या फिर कुछ बोल रहे होते हैं। साथ ही दूसरा वाला दर्द है जो कि हल्का हल्का होता रहता है, ये दोस्तों दर्द गर्म प्रकार के खाना खाने से या फिर किसी गर्म चीज को खाने से होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ आप इसका कैसे उपचार कर सकते हैं। सबसे पहला है लौंग का तेल। दोस्तों, लौंग का तेल दांतों के दर्द को भगाने में काफी प्रभावी है। इसके लिए हर कोई दांतों में दर्द होने की समस्या पर लौंग के तेल का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। ये तेल बाजार में आसानी से मिल जाएगा। आपको इस तेल का कुछ बूंदे रुई में डालकर रुई को दर्द वाली जगह पर आपको लगा देना है। काफी समय लगाने के बाद में आपको दांतों के दर्द से राहत मिलेगी। नेक्स्ट आता है अदरक या फिर लाल मिर्च। दोस्तों, अदरक और लाल मिर्च का मिश्रण बनाकर अगर दांतों पर लगाया जाए तो इस दर्द से राहत मिल सकती है। अगर अदरक और लाल मिर्च का मिश्रण बनाने के लिए आप इन तीन चीजों का एक ही मात्रा में उपयोग करेंगे तो आपको सही रहेगा। आपको अदरक और मिर्ची में पानी मिला देना है, फिर रुई की मदद से इस मिश्रण को दांतों पर लगाना है। नेक्स्ट आता है बर्फ। दोस्तों, बर्फ की मदद से भी दर्द से राहत पाया जा सकता है। नेक्स्ट ही लहसुन। दोस्तों, लहसुन का प्रयोग किसी भी लोगों द्वारा किसी भी तरह की पीड़ा होने पर किया जाता है। अगर आपको दांतों में दर्द हो रहा है तो आप लहसुन चबा सकते हैं। इसके अंदर जो एलिसिन जो होता है वो प्राकृतिक जीवाणुरोधी होता है। ये दर्द को खत्म करने में मदद करता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इसमें आप प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दांतों में दर्द है तो, या फिर हल्दी का पाउडर, नमकीन पानी या फिर पुदीने की चाय। इन सभी का इस्तेमाल करने से दांतों का जो दर्द है वो हट सकता है, कम हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आज इस वीडियो में आपको दांतों में दर्द होने पर नुस्खे बताए हैं ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आपको चैनल घरेलू नुस्खे हेल्थ टिप्स इन हिंदी का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।